हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे बेसन के चीले। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और एक बड़ा बर्तन ले लिया है मैंने यहाँ पे। मीडियम साइज़ मैंने शिमला मिर्च ली है। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, उसको मैंने पील ऑफ कर दिया था पहले। 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है और थोड़ी सी धनिया ली है मैंने यहाँ पे। 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। मसालों में हम यहाँ पे लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे काला नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे यहाँ पे और 1 टेबल स्पून देसी घी। घी से चीले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सबको मिला लेंगे आपस में अच्छे से और अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी एकदम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है हमें पानी। और ये मैंने इसे मिला लिया है और अभी तक जो टोटल पानी हमारा लगा है वो 250 ml पानी लगा है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड कर रहे हैं तो अभी बैटर काफ़ी हमारा थिक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। टोटल जो हमने पानी ऐड किया है वो है 750 ml। 250 ग्राम बेसन था हमारा। 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। 15 ये हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो चलिए अब हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। तवे को मैंने 1 टेबल स्पून घी से ग्रीस कर लिया था और 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे बैटर को ऐड करेंगे और इसे हम हल्के हाथों से इसे राउंड शेप दे देंगे और अब हम इसे सिकने देंगे सिम आँच पर। देखिए ये थोड़ा थोड़ा सिकने लग गया है ऊपर से, ये ऊपर से भी ड्राई हो चुका है और अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। बहुत आसानी से ये फ्लिप हो जाता है, इतनी आसानी से ये पलट गया। और अब इसके चारों तरफ हम घी लगाएंगे ताकि जो इसके किनारे हैं वो भी सिक जाए अच्छे से। और नीचे से देखिए कितने अच्छे से सिका है, ये हल्का हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे, हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो इसकी किनारे उठी हुई है वो भी अच्छे से सिक जाए। और अब इसे फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से सिका है, नीचे से भी हल्का सा इस पे घी लगा देंगे। अच्छे से सेकना है, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और थोड़ा सा घी में इसके किनारे पे थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सारे में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो ये चीला भी हमारा तैयार है, अच्छे से सेक लिया है मैंने इसे। सब्जियों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, सब्जी थोड़ा बारीक ही काटिएगा। और चीला हम डायरेक्ट एक कटोरी के ऊपर रखेंगे, इसको हमें डायरेक्ट फॉइल पेपर के ऊपर नहीं रखना है। कटोरी के ऊपर रखने का खास जो कारण है वो ये है कि चीला जो है हमारा वो अपनी ही गर्माहट से गीला हो जाता है, जिससे वो अच्छा नहीं लगता। और मैंने ये सारे चीले इस तरीके से ही बना करके तैयार कर लिए थे और मैं इसे मीठी चटनी के साथ में सर्व करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।